हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएस स्टडी के नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नई अपडेट्स के बारे में। ये अपडेट है कोविड वैक्सीनेशन से संबंधित। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं क्या है नई अपडेट। इससे पहले हम आपको कहना चाहेंगे, यह वीडियो बहुत ही छोटा है, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें तो ही आपको नई अपडेट समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड वाली बटन को दबाकर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही आपको बगल में दिख रहा होगा बेल आइकॉन, उसे भी दबाकर कीजिए नोटिफिकेशन को ऑन। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, कोरोना को हराना है तो वैक्सीनेशन करवाना है। इस अभियान में आम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कुछ वैसे भी लोग हैं जो इस अभियान से काफी दूर अभी भी है, वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच पाने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण से वैक्सीन नहीं लगवा पाते हैं। हम बात कर रहे हैं बूढ़े और विकलांग व्यक्ति के बारे में। जो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच पाने में असमर्थ होते हैं वो वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण से वैक्सीन लगाने वालों में इनकी संख्या बहुत कम है। तो सरकार ने तय किया है अब उन लोगों को भी वैक्सीन लगेगा जो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुँच पाने में असमर्थ है। इसके लिए सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत वैसे व्यक्ति को घर पर ही जाकर वैक्सीन लगाया जाएगा। इसके लिए करना क्या पड़ेगा वो भी हम आपको बता रहे हैं, आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच पाने में असमर्थ है तो वैसे व्यक्ति भी अपने घर पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको करना पड़ेगा एक कॉल। आप स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन नंबर 102 102, या तो आप जिला स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप अपना पूरा एड्रेस लिखवाइए। वहां से आपको स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो वैक्सीनेशन का काम करते हैं वो आपके घर पर आकर वैक्सीन लगा देंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में भी निःशक्त है तो आज ही कॉल कीजिए और लिखवाइए एड्रेस और वैक्सीनेशन अभियान में शामिल हो जाइए। फ्रेंड्स, आज का बस यही था अपडेट। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।